अभिनेत्री मॉडल पूनम पांडे ने दावा किया है कि व्यवसायी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के पति राज कुंद्रा ने 2019 में एक अनुबंध पर असहमति के कारण उनका नंबर लीक कर दिया था। अश्लील कंटेंट शूट करने और प्रकाशित करने के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पूनम ने यह भी बयान दिया है कि असहमति के बाद उनका नंबर और कुछ तस्वीरें लीक हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसे कॉल आ रहे थे जो अपमानजनक प्रकृति के थे। एक वीडियो संदेश में पूनम ने कहा है कि जब मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो उसने मेरा नंबर एक कैप्शन के साथ लीक कर दिया जिसमें लिखा था, कॉल मी नाउ आई विल स्ट्रिप फॉर यू, मुझे अभी कॉल करें मैं तुम्हारे लिए कपड़े उतार दूंगी। उन्होंने मेरे व्यक्तिगत नंबर के साथ ये संदेश जारी किया और प्रसारित किया। मुझे आज भी याद है, उसके बाद मेरे पास फोन पर फोन आने लगे और मेरे फोन की घंटी लगातार बजती रहती थी। मुझे पूरी दुनिया से फ़ोन आए जिसमें धमकी भरे मैसेज भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर पर नहीं थी, मैं घर से निकल गई थी, छुप कर रह रही थी। मुझे याद है मैंने कुछ महीने उस वक्त एक ओरन नाम की जगह ली है, वहाँ पर बिताई, कुछ वक्त कहीं और बिताए। मैं बस इस डर में थी कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। मुझे जिस तरह के मैसेज आते थे कि मैं जानता हूँ आप कहाँ हैं, मैं उस वक्त थोड़ा डरी हुई थी। पूनम ने कहा, मेरे वकीलों के मना करने के बावजूद भी मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि अगर राज कुंद्रा मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मैं तो फिर भी एक जानी मानी हस्ती हूँ, और तो औरों के साथ वो क्या करता होगा, इसका फुल स्टॉप कहाँ पर है ये जज करना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उन सारी लड़कियों से कि आप प्लीज़ बाहर आएँ और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है आप आवाज़ ज़रूर उठाएँ।